आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीचर्स को कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो जब अपनी रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होती है, या फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है तो टीचर्स उसको स्टॉप कर देते हैं और अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। बाद में जब वो उसको कन्वर्ट करने लगते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे उसको, आपकी जो जूम की फाइल है उसको कन्वर्ट आपने कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप अपनी क्लास ले रहे हैं और आपकी क्लास का फर्स्ट सेशन एंड होने वाला है, इसके बाद आपने नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है। तो आप जब एंड मीटिंग करते हैं तो इसके बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सपोज कि हम इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी जो रिकॉर्डिंग आपकी थी ये जस्ट थी 1 से 2 मिनट की, लेकिन जब टीचर्स आपका रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे वो होगी पूरे 40 मिनट की, और उसको कन्वर्ट होने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेट्स सपोज टीचर कहता है कि मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया और अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो इसको स्टॉप कर देता है, या फिर ये कन्वर्टिंग का साइन शो ही नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपकी सेव होती हैं। अगर आप देखना चाहेंगे आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ सेव है तो आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद रिकॉर्डिंग पे और ओपन पे क्लिक करना है, तो ये आपको आपकी जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो यहाँ पे शो कर देगा। अब तो आप देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे जो फाइल है ये MP4 में कन्वर्ट नहीं हुई हुई है। तो आपने इस फाइल को अपनी जूम की जो मीटिंग थी आपकी, जो आपकी क्लास का लेक्चर था, उसको MP4 में कन्वर्ट करने के लिए जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो इस तरह अगर एरर दे देता है या फिर कुछ भी चीज़ ओपन नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे जाना है, चूज अनदर ऐप पे क्लिक करना है, इसके बाद मोर ऐप्स, और इसके बाद आपने जाना है लुक फ्रॉम अनदर ऐप ऑन दिस PC। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने सी में जाना है। सी में जाने के बाद यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपने जो सिस्टम को नाम दिया हुआ है वो नाम सर्च देखना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अपने सिस्टम को होम का नाम दिया हुआ है तो मैं होम में जाऊँगा। आपने अपने सिस्टम को कुछ भी नाम दिया हो सकता है, UL दिया हो सकता है, या जो भी नाम दिया होगा आपने उस पर ओपन करना है। उसके बाद ऐप डाटा में जाना है, देन रोमिंग में जाना है, और लास्ट में आपने जूम पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ये बिन की ऑप्शन है। बिन में जाने के बाद आपके पास ये ZTS कोडर के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को कन्वर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह आपकी, ये देखें, आपकी वीडियो कन्वर्ट होकर आपको आ गई है। अब आप इसको गूगल ड्राइव पे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अपनी जो रिकॉर्डिंग है अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही तो उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है। अगर बाय चांस आपसे वो स्टॉप हो गई है या कुछ भी हुआ है और आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो वो आपने कैसे ओपन करनी है।